हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो बड़े दिन बाद हम इस कपल के वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है, मतलब इनके चैनल का टाइटल है, माय लव फ्रॉम कोरिया। तो फर्स्ट होली इन्होंने अपनी सेलिब्रेट की थी कोरिया में आफ्टर मैरिज, तो उसका वीलॉग है। आइए देखते हैं कि कोरियन लोग कैसे होली मना रहे हैं अपनी इंडियन बहू के साथ। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेते। 3, 2, 1 एंड। हमारा कॉमन प्रॉब्लम, क्लासेस साफ करते रहो। आवर यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल, ओके, माय यूट्यूब चैनल। आज होली है एंड फ्रॉम बोथ ऑफ अस हैप्पी होली। हैप्पी होली। हमारे घर पे पुरानी वीडियो देख रहे हैं लगते हैं। अगर आप लोग हमें फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कौन आने वाले हैं। होली वाले दिन जो है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अकेली रहूं और मैं अपनी फैमिली को मिस करूं, तो इसीलिए जो है मैंने प्रेम भैया को इनवाइट किया है घर पे। एंड अपने तो वो अपने पहली होते बार घर हैं। पे आ रहे हैं, तो आई एम सो हैप्पी। ये इधर यहाँ पे पार्क कर दो, यहाँ दीवार है। एंड हे देखा, कितना क्यूट लग रहा है वो। ये तो बहुत छोटा सा है भैया। ये क्या लायो? ये कोरियन ट्रेडिशन क्या? अरे इसकी क्या जरूरत थी? आदि 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 कितना प्यारा है। क्या बना रही है? ओके, ये सही है यार। आदि फैमिली कोरियन। चाय बनाना चाहती थी पर ये वो नहीं, सारे गर्म कारवा शायद। देखो ठंडी कर दी। हाँ, ये कोल्ड कॉफी बन गई अब। कॉफी भाई, चाय पिया करो। रिव्यू सही दूंगा पक्का। टेस्टी भाई, टेस्टी है। शक्ल से नहीं लग रहा। मैंने बनाई है भाई। नहीं नहीं, कॉफी तो उन्होंने बनाई। ये मोच घोमो चुवायो। घोमो? मैं घोमो? हाँ, घोमो मतलब बुआ। अरे हाँ, बुआ है। बुआ बुआ कौन हूँ मैं? इसकी आईलैशेस भी कितनी लंबी लंबी है। वो मेरी है। है? वो मेरी। हाँ। हिंदी आती है? नहीं आती। To you, what kind of baby he look like? Korean baby, Indian baby of course not. Oh, like Indian baby. Like Indian baby? Oh, perfectly fair Indian. पता है क्या है? जो इंडियन है ना, वो उनको कोरियन वो बोलते हैं। हमारे को कोरियन लगता है। हाँ, कोरियन है ना, उनको बोले इंडियन लगता है, क्योंकि ये मिक्स है भाई। अभी ये क्या है? डायनासोर है। डायनासोर क्या? जो जो कोरियन बोल रहा है वो इससे सारी समझ आती होगी। शोले अच्छी मूवी थी यार, जब भी देखो बंदा बोर नहीं होता। सच में? अरे यार, खाना वाना लेकर आई है। ये क्या है? हलवा है। थैंक यू सो मच। समोसा। ये क्या है? ये पनीर है। कड़ी? पनीर तंदूरी क्या है वो? अच्छा, पनीर कढ़ाई। पनीर कढ़ाई शाबाश। और ये है दाल मखनी। तूने बताया तूने आज कॉमेडी का ठेका ले लिया है। क्यों? पनीर तंदूरी कौन सा होता है? तंदूर में कौन सा पनीर बनाता है? पनीर तंदूरी है, पूछ लो इसे। पनीर तंदूरी पनीर कढ़ाई। कढ़ाई पनीर होता है। पनीर कढ़ाई। ब्रेकफास्ट? नो, आई डिडंट हैव। Who will have breakfast with you having their food? Who will have breakfast? ये मेरे ख्याल से उठी लेट होगी। अरे नहीं। कह रहे हैं मौसी पागल होगी। ये कैसे पराठे हैं? एक चुटकी सिंदूर की कीमत जैसे। नहीं, समोसे की कीमत। तुम क्या जानो? तुम क्या जानो? समोसे खाए जा रहे हैं। हम भाई सब कॉन्टिनेंट वालों का है कि खाते हुए खामोश नहीं रह सकते। खाना खा लिया है। हां, पेट पूजा हो गई है। अब बातें करते हैं थोड़ी। हां, एंटरटेनमेंट। मुकाबला होने जा रहा है। अभी थोड़ा सा चुप हो जाओ। थोड़ा सा चुप हो जा भाई। कम ऑन किम, आज तेरे प्रेम की इज्जत का सवाल है। चक्कर चक्कर हारना मत। चक्कर भाई, देसी घी खा के बड़ी हुई है ये।
ऐसा नहीं बोलना चाहिए था किम, अगर इसमें भी हार गए तो क्या होगा? आ देखी भाई चकरे यार, चकरे यार, इसमें मुझे लगता है हार जाएगी। फुल जोर लगाया जा रहा है दोनों साइड से। बच्चा कह रहा है पापा जीत दो, टक्कर बराबर की नहीं बराबर की नहीं थोड़ा सा एक यहां पे पापा क्यों पीट रहा बेटे। ओके आदि थैंक यू, यहां पे आदि अपने पापा की लगाने में लगा हुआ है। आदि कैसा यार, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है यार। खुश तो बहुत होगी तुम, खुश तो देखो क्या करके फूड बाहर आ जाएगी। आईपीएल चाहिए तो जीतते हैं, बूढ़े हो गए उसमें हार गए। ये क्या कर रही हो यार, ये कौन सी गेम ये है, ये क्या कर रही हो, प्लैंक करने है क्या? बता देना कब करोगे, स्टार्ट करो करो। ओके योगा शोगा का मूव है। अबे मत कर भाई मत कर, गिर जाएगा तेरा बाप। आदि ना आपा का पुत्र गप्पू में है ओजी माई दी। आदि चलो आदि 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 बच्चा डिसाइड कर गया है कि हमने बाप को जीतने नहीं देना आज। बेटा इसको गिराना है पापा को नहीं। कोरिया में तो इस टाइम ठीक ठाक भाई स्नो शो हो रही है। जगह ढूंढते हुए पूनम की इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते रहती है। नहीं करना चाहिए नुक्कड़ में आ जाओ, हां सड़कों पे कलर नहीं करना चाहिए। कौन होली खेल गया कलर लगा के? भाभी बोल रही है कि हां वो कलर मत लगाना, हां स्पाइस भाई का मसला है ना भाई। हां लोग बड़े साफ सुथरे रहते हैं। मौसम के हिसाब से आज शाम को बारिश शुरू होगी और कल दोपहर तक होगी, तो उससे कलर धुप जाएगा, तो हम इसके पास ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कलर चला जाए इसमें। देख रहे हैं हमें क्या कर रहे हो। कपड़ों से साफ कर रहे हैं चेहरों पे लगा। फेस्टिवल ऑफ कलर्स अच्छा है यार, मजा आते हैं। मतलब यहाँ पे हम फेस्टिवल के तौर पे तो नहीं मनाते क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फेयरवेल्स पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ठीक ठाक कलर लगाते हैं। खुशी होती है फिर, पता नहीं यहाँ पे मौलानाओं को हर चीज पे क्यों उंगली होती है। ऐसे मत करो यार, अरे चचा को भी लगा दो, चचा देखते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करते होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली है मेरे भाई, इंडिया सारा है होली। लेकिन इंडिया भी खुश, इंडिया में तो बहुत कुछ करते हैं, इंडिया में तो बंदे को जाके टैंक में डाल देते हैं। हाँ सही बात है, ये बड़ी शरीफों वाली होली खेल रहे थे ये लोग। साल में एक बार होली आती है वो भी कोरिया में, कभी खेलने का मौका ही नहीं मिलता, तो इस बार ढंग से खेल ली। यहाँ तो ऐसी होली बनाई जाती है, कोई और तो बनाता नहीं। पहली बार इंडियंस मिले हैं तो बना ली हमने थोड़ी बहुत, अगर पसंद आए विदेशी होली तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आप सबको भी हैप्पी होली, खुश रहो, अपने परिवार के साथ होली मनाओ, दुआएं सबको। ओके तो आपने देखा कि मतलब एक बिल्कुल नए कल्चर, एक नई जगह पे अपना कोई फेस्टिवल मनाना हो, और ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी मतलब आबादी भी कम हो, मतलब होता है ना आबादी हो थोड़ी, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट शहरों के हों लेकिन आबादी हो थोड़ी, कम्युनिटी बन जाती है, कम्युनिटी सेंटर में जाके आप लोग जैसे मर्जी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग हैं और इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलते सेम
कंट्री के बंदे, तो वहाँ पे थोड़ा जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन स्टिल इन लोगों ने, इनकी क्योंकि फैमिलीज हैं वहाँ पे, शादीबाजी हुई भी है दोनों की, तो एक मिक्स ही कल्चर देखने को मिल रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के कल्चर्स को, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इन्होंने छोटी सी लेकिन होली मनाई ज़रूर, वो हमें देख के अच्छा लगा। और डेफिनेटली आप अपने शहर से, अपनी फैमिली से, अपने ख़ास तौर पे मुल्क से, क्योंकि शहर से दूर हो ना फिर भी वाइब मिल जाती है, मुल्क से दूर हो ना तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग और सब कुछ इतना नया नया अजीब अजीब, वो कहते हैं ना ओपरा ओपरा सा लगता है, तो वो फिर आपके लिए थोड़ा एडजस्ट होना, और फिर अगर आप एडजस्ट हो भी जाएँ तो अपने मामलात को उस तरह से चलाना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। कोशिश कर रहा था मैं कि ज़्यादा ना बोलूँ, लेकिन वीडियो अच्छा था तो बोलना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सी यू गाइस।